हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हबीब फिर से नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, मैंने आज येलो राइस का खिचड़ी बनाया है मूंग के दाल के साथ, और बहुत ही टेस्टी लगता है येलो राइस के साथ में जो खिचड़ी है। तो आइए, आज हम बहुत ही पॉपुलर डिश जो खिचड़ी है, जिसे सभी लोग पसंद करते हैं खाना, और स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ज़्यादा इसे पसंद किया जाता है, और इसे किसी भी मौसम में खा सकते हैं, ऐसा इस खाने के साथ कोई ऐसा नहीं है। तो आइए, आज हम मसालेदार सिंपल खिचड़ी बनाए हैं जो कि मैं अचार के साथ खाने वाला हूं। आप इसे चाहे तो दही, अचार, घी या चोखा जो बैंगन का होता है या आलू का होता है या टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम खिचड़ी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो दोस्तों, खिचड़ी के लिए सबसे पहले तो मैंने आज येलो चावल लिया है, ये येलो कलर का ही है, और इसकी खिचड़ी भी बहुत अच्छी बनती है। तो अगर आपके पास येलो नहीं है तो आप येलो राइस नहीं है तो आप कोई सा भी राइस ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इससे इसके जगह पर कोई भी राइस ले लीजिए। और यहाँ हमारे पास मूंग की दाल है जो कि 1 कप है। अब मैं इसे पानी डालकर अच्छी तरह से साफ करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगा रेस्ट लेने के लिए, ताकि हमारा मूंग की दाल और जो येलो राइस है वो दोनों के दोनों अच्छी तरह से रेस्ट लेकर फूल जाए। फिर उसके बाद हम इसे कुकर में डालकर और 4 से 5 सीटी लगाएंगे, ताकि हमारा दाल और जो राइस है वो दोनों पक जाए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसे भिंगो दिया है, अच्छे तरह से धो दिया, धोएंगे। धोने के बाद हम इसे कुकर में 5 सीटी लगा लेंगे दोस्तों, और फिर उसके बाद हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ खिचड़ी को और दाल को 5 सीटी लगा लिया है, और इसे हम छोड़ देंगे इसके प्रेशर में ही पकने के लिए। तब तक हम यहाँ एक कढ़ाई ले लिए हैं, उसमें तेल डाल दिया। अब आई थिंक हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो गर्म तेल होने से पहले हमने यहाँ निकाल लिया है जीरा हल्का सा, और यहाँ दालचीनी, और 3 से 4 छोटे से हमारे पास यहाँ पत्ता है, तेज पत्ता जिसे बोलते हैं, या कड़ी पत्ता है जो सूखा हुआ है। आप चाहें तो ताज़ा ले सकते हैं, या चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और हमें तड़का के लिए यहाँ हमने 1 मीडियम साइज के प्याज को काट लिया है, और छोटी सी शिमला मिर्च है जो कि लाल और ग्रीन है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास लहसुन की कलियाँ हैं 4 से 5, और आप चाहें तो इसमें लहसुन की कलियाँ जरूर डालें, ज़्यादा डालें तो इसका टेस्ट बन जाता है। और ये हमारा सेकेंड तड़का है, जो कि हमारे पास हल्की सी 3 हमारे पास लहसुन की कलियां हैं, और हल्की सी प्याज, 2 छोटे साइज के लाल मिर्च और जीरा, और हमारे पास धनिया पत्ती और 1 मीडियम साइज के टमाटर। तो आइए, सबसे पहले तो हमारा जो मसाले हैं, मीन्स जीरा और तेज पत्ता और कड़ी पत्ता, इसे हम डालते हैं कढ़ाई में। तो दोस्तों, हम अब इसमें लहसुन और प्याज भी डाल देते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमने सारा कुछ डाल दिया, जीरा, कड़ी पत्ता और दालचीनी, तेज पत्ता, लहसुन और प्याज को गोल्डन ब्राउन करते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर और हरा मिर्च है उसे भी डाल देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मसाले हमारा कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा, बट कुछ मसाले इसमें हम डालेंगे हल्की हल्की मात्रा में। तो आइए, इसे हम गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, हमारा जो प्याज है गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें हमारा जो हरी मिर्च और लाल मिर्च है उसे भी डाल देते हैं, और इसके डालते ही हम कुछ सेकेंड चलाएँगे। फिर उसके बाद हम इसमें हमारा जो टमाटर है वो सिंगल मैंने मीडियम साइज का लिया है उसे भी डाल देते हैं। और टमाटर डालने के बाद फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। तो दोस्तों, मसाले में हमारे पास सबसे पहले तो स्वाद अनुसार नमक, हाफ टी स्पून हमारे पास हल्दी पाउडर, और हाफ टी स्पून हमारे पास धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून से हल्की सी कम जीरा पाउडर, और 1/3 से मैंने हल्का सा कम फ्लेवर लाने के लिए मैंने गरम मसाला डाल दिया है, और स्वाद अनुसार लाल मिर्च। तो लाल मिर्च मैंने
ज़्यादा नहीं यूज़ किया है, क्योंकि लाल मिर्च हमारा जो हरी मिर्च है वो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो ज़्यादा तीखा तीखी हो जाती है तो अच्छा भी नहीं लगता है। अब इस समय हम इसे अच्छे तरह से भून लेंगे 2 से 4 मिनट तक, ताकि हमारा जो मसाला है अच्छे तरह से फ्राई हो जाए। फिर हम अब जो है हमारा जो कुकर में खिचड़ी डाला हुआ था उसे ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम मसाले को फ्राई कर लेते हैं, मसाला हमारा पक जाना चाहिए अच्छी तरह से। तो दोस्तों हो गए हैं हमारा 4 मिनट और यहाँ मसाले भी अच्छे खासे पक चुके हैं, मसाले से तेल छूट गया है। तो अब हम इसमें हमारा खिचड़ी है इसे डाल देते हैं। तो ये सिंपल मसाले वाली खिचड़ी है, हम इसमें कोई वेजिटेबल नहीं डाले हैं। अब हमारा ये देखिए हमारा जो येलो राइस था वो हमारा, मैं उस समय आपको बताना भूल गया था, वो हमारा 350 ग्राम है और जो मूंग की दाल थी वो अप्रोक्स 150 से 200 ग्राम के बीच में थी, मतलब 150 से 200 ग्राम के आसपास थी। तो आइए अब हम इसमें डाल देते हैं हमारा जो खिचड़ी है, और ये मैक्सिमम अच्छा तरह से पक चुका है और दाल दिख रहा है। आप चाहें तो बेटर रहता है खिचड़ी में अगर दाल दिखता है तो अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। और अगर आप चाहें गलाना तो आप एक सीटी और लगा लीजिए, पर मेरा चावल अच्छे तरीके से गल चुका है। तो आइए अब इसमें हम इसे पलटी कर लेते हैं। तो दोस्तों खिचड़ी को मैंने पलटी कर लिया है, अब मैं इसमें पानी डालूंगा अपने अनुसार। तो खिचड़ी में खिचड़ी आप चाहें सूखा भी खा सकते हैं, मतलब ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते हैं, कई लोग हैं कि जो पानी के साथ खाते हैं, तो आपको जैसा पसंद है आप खिचड़ी बना सकते हैं। तो मैं अभी इसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद इसे 10 मिनट ढक के पका लूँगा और फिर उसके बाद हम इसमें, जब 10 मिनट होने लगेगा तो हम इसमें धनिया पत्ती भी डाल देंगे और गैस को बंद कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो सेकेंड तड़का है वो हम लगाएंगे आपको घी में, आप चाहें तो घी में लगाएं, आप चाहें तो बटर में लगाएं या कुकिंग ऑयल में भी लगा सकते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप किस में लगाना चाहेंगे। फिर उसके बाद हमारा ये खिचड़ी रेडी हो जाएगा। तो आइए इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे खासे तरीके से। तो दोस्तों पानी डाले हुए 5 मिनट हो चुका है, तो इस टाइम हम इसमें जो धनिया पत्ती हमने काट रखा था उसे भी डाल देते हैं। और धनिया पत्ती डालने के बाद दोस्तों हम फिर से ढक के 5 मिनट पकाएंगे, ताकि हमारा धनिया पत्ती का भी स्वाद घुल जाए। और देखिए हमारा खिचड़ी अप्रोक्स रेडी है, तो 5 मिनट और हम पकाएंगे दोस्तों। तो आप चाहें तो पालक डाल के पालक खिचड़ी बना सकते हैं, मीट डाल के मटन खिचड़ी बना सकते हैं, या ग्रीन वेजिटेबल डाल के ग्रीन वेजिटेबल खिचड़ी बना सकते हैं। खिचड़ी के बहुत सारे नाम और वैरायटी हैं और ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, ये किसी भी माहौल में खा सकते हैं आप, और इसे गरीब अमीर सभी लोग खा लेते हैं, इसमें कोई है नहीं, और ये स्टूडेंट के लिए तो सबसे अच्छा खाना है और इसे बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो 5 मिनट और हम ढकते हैं और उसके बाद हम तड़का लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए हमारा तड़का भी अब मीडियम फ्लेम पर इसे हम पका लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो खिचड़ी है उस कढ़ाई में हम तड़का लगा लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ तड़का भी लगा लिया है, और तड़का लगाने के बाद हम 2 मिनट इसको ओपन नहीं करेंगे, और 2 मिनट के बाद हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। हमारा जो खिचड़ी है वो रेडी हो चुका है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ खिचड़ी को निकाल लिया है, डिश आउट कर लिया है, और आपको भी दिख ही रहा होगा कितना अच्छा तरीके से खिचड़ी हमारा बन गया है। तो आप खिचड़ी को, मैं डबल तड़का लगाया हूँ, डबल तड़का लगाने से खिचड़ी का स्वाद बढ़ जाता है, और इसके ऊपर हमने हल्की सी बटर डाल दिया है। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर खाइए, बनाइए, और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और दोस्तों जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, आप इसे ज़रूर बनाइए, बना के मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये रेसिपी, और मुझे ज़रूर बनाकर कमेंट कीजिए कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।